नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे सभी मुख्य समाचार आप तक आगे इस वीडियो में पहुंचाएंगे दोस्तों, जहां पर बड़ी खबरों में जानेंगे कि इंडिया गठबंधन ने सरकार बनाने को लेकर के बड़ा दावा कर दिया है। एनडीए और बीजेपी के अंदर यहाँ पर भूचाल आ गया है, जानेंगे क्या कुछ अपडेट आ रही है, रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है। इसके साथ ही दोस्तों जानेंगे कि कैसे आरएसएस के नेता ने ही बीजेपी पर जोरदार हमला किया है। एक एक करके हर खबर आप तक आगे इस वीडियो में पहुंचाएंगे, हमारे साथ दोस्तों लगातार बने रहिएगा। खबरों में बढ़ने से पहले, अगर आप लोग भी मानते हैं कि आने वाले वक्त में राहुल गांधी देश का नेतृत्व करने जा रहे हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर ही बताइएगा कि आप लोगों को आप पसंदीदा नेता कौन सा है। आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं दोस्तों। पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। जी हां दोस्तों, केंद्र में सरकार गठन के बाद एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। केंद्र में सरकार गठन के बाद में यहां पर हलचल एक बार फिर से देखने को मिल रही है। ऐसा क्यों है आप लोगों को बताते चलें। यहां पर एबीपी न्यूज ने रिपोर्ट में दावा किया है और कहा है कि कांग्रेस सूत्रों ने कहा कि जब चाहे गिरा सकते हैं सरकार, ये यहां पर रिपोर्ट में दावा किया गया है कांग्रेस सूत्रों के अनुसार। दोस्तों देख सकते हैं कि जब चाहे सरकार गिरा सकते हैं, यानी कि पूरा भरोसा है। बताते चलें आप लोगों को, इंडिया गठबंधन के पास में कहा जा रहा है कि अब मात्र यहां पर 20 सीटों की ही कमी रह गई है बहुमत के आंकड़े तक पहुंचने के लिए, यानी कि 240 तक तो पहुंच चुका है इंडिया गठबंधन और 12 सीटें जेडीयू की भी लगभग पक्की मानी जा रही हैं इंडिया गठबंधन के साथ में। और वहीं आप लोगों को बताते चलें कि बाकी की बची हुई 20 सीटें यहां पर इंडिया गठबंधन लगभग जुगाड़ करने की तैयारी में है और माना जा रहा है कि ये जल्द ही हो भी जाएगा और आने वाले वक्त में कुछ बड़ा उलटफेर भी देखने को मिल सकता है। ऐसा हम नहीं दोस्तों, संजय सिंह ने दावा किया है। जी हाँ आप लोगों को बताते चलें। जी हाँ दोस्तों, खबर आ रही है कि एनडीए सरकार एक साल में गिर जाएगी, इंडिया गठबंधन विकल्प के रूप में सामने आ सकता है, संजय सिंह का बड़ा दावा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दावा किया है कि केंद्र में गठबंधन सरकार एक साल से अधिक नहीं चल पाएगी और जब भी मौका मिलेगा विपक्षी गठबंधन इंडिया खुद को विकल्प के रूप में पेश करेगा। संजय सिंह ने कहा है कि आम आदमी पार्टी ने टीडीपी और एनडीए के अन्य सहयोगियों से अपील की है कि अगर बीजेपी अपने सहयोगियों दलों के नेता को लोकसभा अध्यक्ष के रूप में नियुक्त नहीं करती है तो इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल उन्हें समर्थन देने पर विचार करेंगे, वे अपना प्रत्याशी उतारें, सहयोगी दल और इंडिया गठबंधन उनका समर्थन करेगा और यहां पर उनका स्पीकर हो जाएगा। इससे क्या होगा, भाजपा उनकी पार्टियों को नहीं तोड़ पाएगी और लोकतंत्र को नहीं कुचल पाएगी, ये यहां पर कहना है संजय सिंह का। दोस्तों संजय सिंह ने आगे कहा है कि हमने एनडीए की एक सरकार को 13 दिन में गिरते हुए देखा है, दूसरी को 13 महीने में और अब नरेंद्र मोदी की यह तीसरी सरकार एक साल भी पूरा नहीं कर पाएगी और यहां पर इंडिया गठबंधन जल्द ही बड़ा उलटफेर करेगा, ये यहां पर संजय सिंह ने दोस्तों दावा कर दिया है। यानी कि जो यहां पर इंडिया गठबंधन के नेता दावा कर रहे हैं वो यहां पर अब सच भी साबित होता हुआ नजर आ सकता है आने वाले वक्त में। माना जा रहा है कि हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव के बाद में कुछ बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है दोस्तों। इसके साथ ही एक और अपडेट आ रही है आप लोगों को बताते चलें। इस बार के लोकसभा के चुनाव में 63 करोड़ यहां पर मतदाताओं ने वोट किया है, लेकिन 23 करोड़ लोगों ने यहां पर वोट किया है भाजपा के लिए या कह लीजिए मोदी के लिए, लेकिन 40 करोड़ भारतीयों ने मोदी के खिलाफ में वोट किया है, लगभग दोगुने भारतीयों ने यहां पर मोदी के खिलाफ में वोट किया है, ये रिपोर्ट में यहां पर दावा किया गया है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी और चौंकाने वाली यहां पर खबर आ रही है, संजय राउत का गुस्सा फूटा है, 30 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी हारी है लेकिन चुनाव अधिकारियों को धमका करके बहुमत हासिल किया गया है। इतना ही नहीं, संजय राउत ने आगे कहा है कि वाराणसी में मोदी यहां पर पूरी तरह से हार रहे थे लेकिन उनको जिताया गया, बीजेपी अयोध्या, चित्रकूट, नासिक और रामेश्वरम हार गई है, ये यहां पर कहना है
संजय राउत का। देख सकते हैं कि काफी प्रमुख सीटें भाजपा हार गई है और पूरी तरह से भाजपा के लिए ये एक बड़ा झटका है। इसके साथ ही दोस्तों खबर आ रही है, बताते चले आप लोगों को, यहां पर कांग्रेस पार्टी भी हमलावर हो गई है मोदी सरकार पर। खबर आ रही है कि मोबाइल नंबर के लिए देनी पड़ सकती है फीस, फोन नंबर पर लग सकती है फीस, ये यहां पर खबर आ रही है। कांग्रेस ने कहा कि आप क्रोनोलॉजी को समझिए, सरकारी बीएसएनएल एमटीएनएल को खत्म कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। मित्र अंबानी की जियो की मोनोपोली खड़ी कर दी गई, नंबर रखने पर भी अब फीस लगा दो, जनता का जीने यहां पर दुश्वार कर दो पूरी तरह से, ये कांग्रेस पार्टी का कहना है। यही पूरी क्रोनोलॉजी है, कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार को जबरदस्त तरीके से घेरा है। दरअसल दोस्तों बताते चले, अब मोबाइल नंबर पर लगेगा चार्ज, हर साल अलग से देना होगा शुल्क, ये खबर आ रही है। जब यहां पर ये सरकार की तरफ से दावा किया गया है कि कई विकसित देशों में भी ऐसा ही होता है, लेकिन जब वहां के विकास की बात होती है तो हमारे यहां पर कोई भी वहां की बातें नहीं करता है, ना ही रोड की बात करेगा कि वहां पर विकसित देशों में ऐसी रोडें हैं तो हमारे यहां पर भी ऐसी हो, लेकिन जब यहां पर जनता से पैसे ऐंठने की बात होती है तो दूसरे देशों के कानून भी हम लोगों को सिखाए जाते हैं और वहीं यहां पर लागू करने की भी तैयारी होती है। आप लोगों की क्या कुछ राय है दोस्तों इस खबर पे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर ही बताइएगा, क्योंकि यहां पर तीसरी बार यह मोदी सरकार बनी है, या कह लीजिए एनडी गठबंधन की सरकार बनी है, और अब लूट खुलेआम शुरू हो चुकी है। पहले यहां पर देख सकते हैं कि अरहर दाल के दाम बढ़ाए गए, उसके बाद में आटा महंगा हुआ, और अब इस तरीके की खबर आ रही है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। केंद्र सरकार अग्निपथ स्कीम पर बदलाव कर सकती है, 4 साल की जगह 6 साल की नौकरी की जा सकती है, 25% अग्निवीरों को स्थायी रूप से सेवा में रखने के प्रावधान पर भी हो सकता है बदलाव, ये यहां पर सूत्रों ने बड़ा दावा किया है। ये यहाँ पर दोस्तों खबर सामने निकल के आ रही थी। इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, भगवान राम ने न्याय किया है, बीजेपी में अहंकार आ गया था इसलिए 241 सीट पर उसे रोक दिया है। आरएसएस के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार का ये बड़ा बयान सामने निकल के आया है। इससे पहले मोहन भागवत ने कहा था, अहंकार छोड़ो, विनम्रता अपनाओ, जो वास्तविक सेवक होगा उसमें अहंकार नहीं आएगा कि मैंने किया है। ये यहां पर देख सकते हैं कि अब आरएसएस के नेता ही लेने लगे हैं बीजेपी को सीधे तौर पर निशाने पर, और उसे एक अहंकारी पार्टी करार दिया है। चुनाव के दौरान बीजेपी के अध्यक्ष जो हैं जेपी नड्डा, उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि चुनाव जीतने के लिए अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। ये यहां पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आए जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर न है तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।